ये कच्चे कलर का शर्ट है और यहाँ पे दाग लगे हैं, मगर ये छोटे बच्चे का शर्ट है और कस्टमर भी कभी कभी बताता नहीं है कि ये किस चीज़ के दाग है। तो इसके लिए हमने इसमें NID ऑक्सी डस्ट लिफ्टर और कलर गार्ड यूज़ किया है। तो इसको कुछ देर डिप करके रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। NID डस्ट लिफ्टर कलर गार्ड में डिप करके रखा था मगर दाग नहीं निकले, तो फिर इसके ऊपर SCR-80 यूज़ किया। तो हो सकता है कि घर के धोने में कि ये कपड़ा चला गया हो और कोई पीले कलर का कपड़ा के दाग इसके ऊपर आ गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चॉकलेट केक कुछ खाते हैं और उसमें अगर कलर वाला चॉकलेट हो या फिर कलर वाली चीज़ हो उस कारण वो कलर लगा था। और जनरली मैं देख रहा था मगर वो नहीं निकल रहा था, तो मैंने SCR-80 यूज़ किया और SCR-80 से ये निकल गया। तो दोस्तों, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो आपके पास शेयर करना ज़रूरी होता है, तो वो क्लू मिल जाता है आपको, आप उस तरह का काम करते हैं और रिजल्ट आता है और आपके फायदे की चीज़ होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने SCR-80 यूज़ करने से ये दाग निकल गए, जो कि खाने पीने के भी दाग लग रहे थे, चॉकलेट के भी दाग लग रहे थे, या फिर दूसरे कपड़े का कलर लगा है ऐसे भी दाग लग रहे थे, मगर इसके कलर को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम दिया है, काम हो गया है कि मैंने ब्रश मार के वॉश कर दिया है। हो सकता है कि अगर ज़्यादा टाइम दे दे तो ये कपड़ा का कलर कुछ इफेक्ट हो जाए SCR-80 से, तो बड़ी सावधानी से किया है। कपड़ा तो छोटा है मगर कैसा है, कस्टमर को थोड़ा भी दाग नहीं चलता है, कुछ कस्टमर को तो वो क्लीन ही करके लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसके ऊपर कौन से दाग थे कुछ समझ में नहीं आ गया, मगर ये दाग निकाले और किससे निकाले, SCR-80 से। तो अपना लॉन्ड्री नॉलेज बढ़ाने के लिए देखते रहिए लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स। जय हिंद।